प्लीज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की अनबॉक्सिंग करने चाह रहा हूँ, जो कि मैंने अभी अमेजन के थ्रू चाइना से मंगाई है। ये है डबल जे सी का अडेप्टर फॉर द फूजी फिल्म एक्सटेंडेड वी के लिए। तो हुआ क्या, मैंने कई बार इसको इंडियन की वेबसाइट्स पे सर्च किया और कई जो इंडियन फोटोग्राफी साइट थी उस पर कहीं भी अवेलेबल नहीं था, और इंटरनेशनल वेबसाइट लाइक टेनोटेस है, एक हमारी B&H है जो अमेरिकन है, तो वहाँ पे तो अवेलेबल था, पर उसकी जो कुरियर शिप थी, कुरियर जो आ रहा था वो लगभग $13-14 के आसपास था, जो बहुत ही मुझे एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो मैं आज आपको इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये मुझे बहुत ही फाइन और अच्छे तरीके से पैकेट मिला है। मैंने सिल्वर ऑर्डर किया था, बट इस पर आप ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है ब्लैक। लेट्स सी अंदर क्या है इसमें। आपके सामने पहली बार मैं खोलने जा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से एक ये स्ट्रैप निकला हुआ है, बाकी भी हम देखते हैं क्या है। और ये इसके साथ एक अडेप्टर हुड है, और इसके साथ एक ये मैनुअल है। तो हम डिब्बे को और इस कवर को यहाँ पे साइड पे रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये मैनुअल है इसके साथ, इसकी एक्चुअली इसमें बताया गया है कि किस तरह से फिट होता है। और एक ये इसके साथ स्ट्रैप है कि किसी भी हुड को या किसी भी अडेप्टर को या किसी भी ढक्कन को जो उसके साथ मिलता है, उसको ये हम ग्लू स्टिकर हटा के उसके साथ चिपका के कहीं भी माउंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इतना यूनिक, और जो एक्सटेंडेड भी यूज़ करते हैं उसको, उनके लिए कितना ज़रूरी क्यों है, मैं आपको उसके लिए बताता हूँ। ये देखिएगा, इसको एक तो बेसिकली ये मेटल हुड है, और ये इसके अंदर ना बहुत ही फाइन ब्लैक कोटिंग की हुई है, लाइक कि कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी चीज़ करते हुए इसमें रिफ्लेक्शन ना आए। तो इसको सिंपली एक सिंपल क्लिक से ये हुड यहाँ पे अनलॉक हो जाता है, और दो टुकड़े हैं इसमें। अब देखिए करना क्या है हमें, अब मैं ये अपना एक्सटेंडेड वी इसके साथ लाता हूँ। इसका एल्युमिनियम हुड जो बहुत ही बेहतरीन हुड इसके साथ आता है, इसको हम असाइड रखते हैं। इसका जो माउंट अडेप्टर रिंग है, इसको यहाँ से डी माउंट करते हैं, और कैमरा बेसिकली 99% इसको कहते हैं कि ये वेदर सीलिंग है, बट ये आगे की जो उसकी कैस्केट है जिससे लेंस की मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से कई बार इसमें धूल मिट्टी तो चली जाती है, पानी की अगर इसमें कभी वेपर्स चले गए या कोई भी लाइक ह्यूमिडिटी चली गई तो इसमें फंगस आने की प्रॉब्लम है, और ये लेंस कभी खुल नहीं सकता रिपेयर के लिए, पूरा कैमरा का डिसेंबल होगा। और उस एक बार अगर ये डिसेंबल किया गया इसको कैमरे को, तो सारी के सारा इसके आपको पता है कि कितना बड़ा ये एक डिज़ास्टर है अपने आप में। लाइक अब मैं इसको माउंट करने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली ये होता कैसे माउंट है, क्योंकि मैंने भी कभी इसको माउंट किया नहीं है। तो लेट्स ट्राई, शायद इसको ये देखिएगा लाइक ठीक है, और ये इसी माउंट पे ये माउंट हो गया, बहुत ही अच्छे से स्मूथली रिंग चल रही है। अब इसमें देखिएगा एक जो डिफरेंस है रिंग का, ये कितना फाइन था जो उसके साथ रिंग है, और इसके साथ ये लगभग ऑलमोस्ट डबल एक साइज़ की एक ये अडेप्टर है, जिसमें कि अगर हम इसके ऊपर फिल्टर 49mm का माउंट करेंगे तो लेंस आगे पीछे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी आराम से लेंस आगे पीछे हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, मैंने एक ये लोकल फ़िल्टर ही लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए, कोई ज़्यादा महंगा फ़िल्टर नहीं है। तो क्या करते हैं हम इसको इसके साथ माउंट करते हैं। ये देखिए, सिंपली मैंने इसको इतने आराम से रिंग आ गई, क्योंकि बिकॉज ये मेटल है तो इतना ज़्यादा सा प्रॉब्लम नहीं, आराम से नॉर्मल अपना अडेप्टर रिंग भी इसमें चल गई। आपको आवाज़ आ रही होगी मेटल की, ये इसकी फ्रिक्शन की। तो ये अगर हमें इस तरह से यूज़ करना है, और इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट एक इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये वाली रिंग थोड़ी सी ढीली रहती है, जो उसका ये कवर है ये पूरा परफेक्ट अब फिट नहीं हो रहा। तो एनीवेज कोई बात नहीं, अब सिचुएशन ये कि कैमरे को हमें हर इंडिया में सीजन्स हमारे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहते हैं, वेट रहते हैं, तो अब हम कर क्या सकते हैं कि इसके लिए हमें ये लगाना बहुत ज़रूरी पड़ गया था। और अब क्या कहते हैं, मैं ये देखिए इसका हुड माउंट करने जा रहा हूँ उस पर, तो ये पूरी तरह हो गया, और इस पर कोई माउंट नहीं होता, ये सिंपल वन टू आपको दिखाता हूँ, ये सीधा सीधा इन्होंने इतने फिनिशिंग से बनाया हुआ है, स्मॉल क्लिक 1, 2 एंड 3,
ये पूरी अच्छे से लॉक हो गया, अब ये हिल नहीं रहा है। अब ये इतने अच्छे से हो गया है कि ये कैमरा भी पूरी मेरी ग्रिप में आ गया, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ग्रिप नहीं है। तो अब आप देखिएगा, ये हम इंडियन वेदर में और ह्यूमिड कंडीशंस में, रेन्स में कहीं भी जाके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। जो सिल्वर के अंदर ब्लैक ये कोटिंग दी हुई है, बहुत ही फाइन कोटिंग है, तो इससे क्या होता है कि अगर सन की स्ट्रे रेज या कोई भी लाइट सोर्स पे पड़ेगा तो लेंस के एलिमेंट पे कोई रिफ्लेक्शन या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी जिससे कि एक आपको प्रॉपर एक आर्टिफिशियल कोई लाइट या कोई लाइट स्ट्रे लाइट इस पे लेंस पे कभी कभी फोटोग्राफ्स में दिखेगी तो वो हमारी अवॉइड हो जाएगी। तो रही बात इसकी, और अगर हमें रात में यूज़ करना है तो सिंपली हमने इसको उतार दी के रख भी लिया और अपना नॉर्मल फिल्टर लगे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों चीज़ों को रखते हैं संभाल के साइड पे, क्योंकि बिकॉज़ इस की जो ढक्कन है फूजी का, अगर आप ये नेट पे देखेंगे इसकी कॉस्ट लगभग 4,000 रुपये है और इस रिंग की 2,000 रुपये है, तो बहुत इसके पार्ट्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। तो इसको हम संभाल के अपने पास पैकेट में यहाँ पे रखते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब प्रॉब्लम हमारे पास ये, अगर हम इसको बैग में रखते हैं तो फ़िल्टर को या फ़िल्टर पे गंद ना है, तो उसके लिए क्या करते हैं। तो मैंने एक नॉर्मल आपको दिखाने के लिए मार्केट से एक 49 mm का जो लोकल फ़िल्टर्स होते हैं, लाइक लोकल फ़िल्टर जो लोकल हुड जो लेंस के ऊपर कवर्स होते हैं, तो वो मैंने परचेज़ किया था। तो फूजी का तो मेरे को मिला, तो कैनन का ऐसे ही मैंने एक नॉर्मल ले लिया था, जिस इट ओनली कॉस्ट मी फॉर 50 rupees। तो ये 50 rupees का ढक्कन है इसका, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 1, 2, 3 इस पर ये देखिए, ये परफेक्ट फिट हो गया। देखने में थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहें तो फूजी का भी फूजी स्टोर में जाके ले सकते हैं, तो दैट विल कॉस्ट यू मोर। तो बट मेरा तो ये रोज़ का ही कैमरा रहता है, तो मैंने इस पर छोटा सा ये लेके ले लिया, बिकॉज थोड़ी सी पैसे भी सेव करता है मेरे ये 50 rupees का ढक्कन। और इसकी बैग में कोई धूल ना है, कोई डस्ट ना है, तो उसकी भी प्रोटेक्शन पूरी प्रॉपर करता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके कॉन्स क्या है, लाइक थोड़ा सा हुड यहाँ से जब बड़ा हो गया है, अगर हम इसको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर से देखते हैं, थोड़ा का थोड़ा एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सपोज़ मान के चलिए अगर ये हमारा ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, तो पहले के पहले मुझे लेंस इतना इसमें एरिया लेंस दिखता था जब विदाउट इसके हुड के, बट अब इतना एरिया इसमें थोड़ा सा हुड लगाने के बाद ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में इतना एरिया इसमें ब्लॉक हो गया है, तो मुझे फोकस अपना या कंपोजिशन जो भी होती है थोड़ी सी रिकम्पोज करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये थोड़े से इसके प्रॉस एंड कॉन्स थे इस फिल्टर के लिए, अगर जो लोग लेना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप फूजी का लेना चाहेंगे, फूजी का मार्केट से लेंगे तो वो लगभग 7-8 हज़ार रुपये का पड़ता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों, आपको शायद ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी कि जैसे मैंने इसको थोड़े से पैसे में और कम पैसे में इसका सेटअप बना लिया है घर पे, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हो सकता है आपके जो हमारे फूजी X100F, X100T या X100S जो भी इसके यूज़र्स हैं, तो उनके लिए बहुत ही बहुत यूनिक चीज़ है। बाकी इसकी प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको इसके पेज के नीचे दे दूँगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।